हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल वाइज 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मनरेगा झारखंड में पूछे गए प्रश्न। तो ये फ्रेंड टोटली मेमोरी बेस्ड पे रहेगी, मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगी। इसकी मैं रिव्यू करूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मनरेगा जेई जूनियर इंजीनियर की मनरेगा में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रांची में जो एग्ज़ाम 17 तारीख को हुई थी उसके लिए उसका जो रिव्यू है, कैसा कैसा क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करूँगा मेमोरी बेस्ड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ए फेरस मेटल इज, तो ऑप्शन दिया गया था फिर कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील, और डी में ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट फॉर एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट शुड बी नॉट लेस देन, ऑप्शन था फ्रेंड 30 मिनट्स, 50 मिनट, 75 मिनट और 90 मिनट। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, 90 मिनट। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन था फ्रेंड आपके सामने था मार्बल था, लाइम स्टोन था, कॉम्पैक्ट सैंड स्टोन और ग्रेनाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट सैंड स्टोन। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग रांची मनरेगा जेई में एग्जाम दिए थे और अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चन रियल मतलब सही हैं और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं। और अगर आप क्वेश्चन मुझे भेजना चाहते हैं तो टेलीग्राम में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे भेज सकते हैं, मैं उसे भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा देखते फ्रेंड। पूछा गया था, कास्ट आयरन इज यूज फॉर, ऑप्शन था स्ट्रक्चर वर्क इन बीम, स्मॉल साइज वाटर पाइप, कॉलम एंड स्ट्रट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉलम एंड स्ट्रट। क्योंकि फ्रेंड बीम में तो होगा नहीं, अगर कास्ट आयरन में डक्टिलिटी बहुत कम हो जाती है जिसके कारण वो वार्निंग दिए बिना ही कोलैप्स कर जाएगा, स्मॉल साइज वाटर पाइप में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। फिर पूछा गया था फ्रेंड, द प्लिंथ एरिया ऑफ ए बिल्डिंग नॉट इंक्लूड्स, ऑप्शन दिया गया था एरिया ऑफ द वॉल एट द फ्लोर लेवल, ऑप्शन बी में था इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन अप टू 2 स्क्वायर मीटर इन एरिया, ऑप्शन सी था लिफ्ट एंड वॉल इंक्लूडिंग लैंडिंग, डी था एरिया ऑफ कैंटिलीवर पोर्च। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एरिया ऑफ कैंटिलीवर पोर्च को इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, द ब्रिक वर्क इज नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर इन केस ऑफ, तो इस ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड वन और मोर देन वन ब्रिक वॉल, ब्रिक वर्क इन आर्चेज, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क, और लास्ट में ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड हाफ ब्रिक वॉल। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, हाफ ब्रिक वॉल। यहाँ पे देख सकते हो आंसर भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द रेट ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन, तो ऑप्शन था फ्रेंड स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क्स, ऑप्शन बी था स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, सी था प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टार, और डी था ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन मीन्स, ऑप्शन ए था परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांडेड एरिया टू बी इरीगेटेड एनुअली, ऑप्शन बी था परसेंटेज ऑफ ग्रॉस कमांडेड एरिया टू बी इरीगेटेड एनुअली, ऑप्शन सी था परसेंटेज ऑफ द मीन कल्चरेबल कमांडेड एरिया एंड द ग्रॉस कमांडेड एरिया टू बी इरीगेटेड एनुअली, और ऑप्शन डी था टोटल डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाइड बाय द नंबर ऑफ वाटरिंग। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा फ्रेंड इसका आंसर, परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांडेड एरिया टू बी इरीगेटेड एनुअली। नेक्स्ट देखते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन एग्जैक्ट ये नहीं होगा लेकिन मैं मेमोरी मतलब आइडिया लगाया हूँ कि कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होना चाहिए कि बियरिंग ऑफ लाइन ए बी एंड बी सी का दिया होगा और इंक्लूडेड एंगल पूछ लिया होगा, या फिर कुछ लोग बोल भी रहे थे कि रिड्यूस्ड बियरिंग से क्वेश्चन था, रिड्यूस्ड बियरिंग यानी कि आपको फोर बियरिंग दे दिया हो और बैक बियरिंग पूछ रहा हो, ये सबसे क्वेश्चन पूछा गया होगा फ्रेंड, क्योंकि वो केवल टॉपिक बता पा रहा है कि रिड्यूस बियरिंग से क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था वो बता नहीं पा रहा है। तो मेरे ख्याल से फोर बियरिंग और बैक बियरिंग से ही सवाल होगा। तो फ्रेंड और एक फ्रेंड बता रहे थे कि ट्रायंगल वेल कंडीशन ट्रायंगल से पूछा गया था, तो फ्रेंड अगर देखिए फ्रेंड अगर अगर 30 डिग्री से एंगल ज़्यादा हो और 120 डिग्री से कम हो तो वो वेल कंडीशन ट्रायंगल कहलाएगा, और अगर सभी एंगल 60 डिग्री हो तो आइडियल ट्रायंगल कहलाएगा, अगर अगर 30 डिग्री से कम और 120 डिग्री से ज़्यादा हो तो नॉट वेल कंडीशन ट्रायंगल यानी कि इल कंडीशन ट्रायंगल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पूछा गया था फ्रेंड, क्या क्वेश्चन पूछा गया ये पता नहीं है, तो मैंने सारे कंडीशन वाले ट्रायंगल को डिस्कस कर दिए हैं, आप इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्वेश्चन होगा।
फिर क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड फ्रेंड ने बताया कि विकेट प्लंजर का डायमेंशन से पूछा गया था, तो वो बोल रहे थे लेंथ पूछा गया था, कोई बोल रहा था डायमीटर पूछा गया था। तो फ्रेंड अगर डायमीटर ऑफ विकेट प्लंजर की बात की जाए तो 10 mm होती है, और अगर इसके लेंथ के बारे में पूछा जाए तो फ्रेंड 40 to 50 mm हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 40 to 50 mm। तो जो भी क्वेश्चन पूछा हो फ्रेंड आप दोनों याद रखेंगे, डायमीटर 10 mm, लेंथ 40 to 50 mm। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बायोन्स फोर्स एक्ट थ्रू द, तो फ्रेंड बायोन्सी फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है ये पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूड। जो भी फ्लूड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है उसके सीजी पे या सेंट्रॉइड पे एक्ट करता है, तो इसे आप याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन एटमोस्फेरिक प्रेशर से पूछा गया था फ्रेंड, क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं बता पाया तो मैंने आइडिया लगाया कि कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर वेराइज विद एल्टीट्यूड टेम्परेचर वेदर कंडीशन या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑल ऑफ द अबव। एक क्वेश्चन फ्रेंड एक्विडक्ट या साइफॉन एक्विडक्ट से पूछा गया था, तो क्वेश्चन तो उसने नहीं बता पाया, तो मेरे ख्याल से वो बोल रहा था कि न्यूमेरिकल से क्वेश्चन था, तो मे भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया हो कि यहाँ पे डेटा दे दिया द फॉलोइंग डिटेल परटेन टू द क्रॉसिंग ऑफ कैनाल एंड ए ड्रेन बेड लेवल ऑफ कैनाल, इतना कैनाल का दे दिया हुआ बेड लेवल का कैनाल और फुल सप्लाई डेप्थ ऑफ कैनाल इतना 1.8 मीटर, बेड लेवल ऑफ ड्रेन दिया होगा, डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ हाई फ्लड लेवल भी दिया होगा, द सुटेबल टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क पूछ दिया होगा। तो यहाँ पे आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड, तो और इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं कि बेड लेवल जो है 211 है, बेड लेवल ऑफ जो कैनाल है वो 211 है, और बेड लेवल ऑफ ड्रेन है जो 209.4 है, तो यानी कि ये ज़्यादा है। और इधर तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड बेड लेवल कैनाल का जो बेड लेवल ऑफ ड्रेन से ज़्यादा है, और हाई फ्लड लेवल बेड लेवल ऑफ कैनाल के ज़्यादा है, तो इस ये केस आपका साइफन एक्विडक्ट का बन जाता है फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साइफन एक्विडक्ट। एक क्वेश्चन वॉयड रेशियो से पूछा गया था फ्रेंड, वो बता नहीं पाया कि क्या क्वेश्चन था, तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए ले आया हूँ वॉयड रेशियो से। यहाँ पे देखते हैं वॉयड रेशियो ऑफ सॉइल मास गेन, तो ऑप्शन कुछ इस तरह दिया होगा फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। पाइल फाउंडेशन से क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, तो मे बी क्वेश्चन ये रहा हो व्हेन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज वेरी गुड एट ग्रेटर डेप्थ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाउंडेशन मे बी कंसिडर्ड फिजिबल। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड जितने भी राफ्ट फाउंडेशन, ये सेलो फाउंडेशन है फ्रेंड, आइसोलेटेड फाउंडेशन सेलो फाउंडेशन है, तो यहाँ पे डीप फाउंडेशन होगा, तो यहाँ पे पाइल फाउंडेशन यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड मे बी या तो ये सवाल पूछा गया हो क्योंकि वो बोल रहा था कि पाइल फाउंडेशन से, तो अब मे बी ये भी पूछा गया हो कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन पाइल अंडर वर्टिकल कंप्रेसिव लोड एक्ट्स। तो फ्रेंड्स नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है और लोड बियरिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको पिक्चर के माध्यम से, यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाइड लोड लगा हुआ है, नेगेटिव फ्रिक्शन जहाँ पे एक्ट कर रहा है वहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और स्किन फ्रिक्शन केवल लग रहा है तो वो अपवर्ड में एक्ट कर रहा है, तो और इस जो नेगेटिव फ्रिक्शन के कारण लोड कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था ये फ्रेंड हूबहू क्वेश्चन है, लेकिन वो कन्फ्यूज था कि रिवेट था या बोल्ट था, तो द ग्रॉस डायमीटर ऑफ 14 mm नॉमिनल डायमीटर रिवेट इज, अगर रिवेट की बात की जाए तो फ्रेंड तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, यानी कि अगर 25 या 25 से कम हो तो उसमें 1.5 mm जोड़ दिया जाता है, और ज़्यादा हो तो 2 mm जोड़ दिया जाता है, और फ्रेंड अगर यहाँ पे अगर बोल्ट रहता तो वहाँ पे 15 mm हो जाता, केवल 1 mm जुड़ जाता। तो जैसा भी हो आप रिवेट और बोल्ट दोनों के लिए पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, ये भी एक्यूरेट टू द पॉइंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये उसकी पूरा तरह से याद था, पूछा गया था हाउ मेनी इलास्टिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए लीनियर इलास्टिक आइसोट्रॉपिक मटेरियल विल बी, आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए इलास्टिक कॉन्स्टेंट पूछा गया था फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 हो जाएगा। तो इसका अगर एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहते हैं फ्रेंड, मे बी इस पर आइसोट्रॉपिक का पूछा हो कहीं और किसी और डिस्ट्रिक्ट में कुछ और पूछ लिया जाए, तो अगर आइसोट्रॉपिक के केस में हो तो यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि इनमें से चारों में से कोई भी अगर 2 पता हो तो सारे का सारे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अगर ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल के बारे में पूछ लिया जाए तो फ्रेंड इलास्टिक कॉन्स्टेंट जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, और एनिस्ट्रॉपिक मटेरियल
जो कि हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन दे शो नॉन होमोजीनियस बिहेवियर, और इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21। तो तीनों के तीनों याद कर लीजिएगा फ्रेंड, कुछ भी पूछा जाए तो एक भी मिस नहीं कीजिएगा, कोई क्वेश्चन सभी बना के आइएगा फ्रेंड। ये भी टू द पॉइंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सीव दैट इज यूज फॉर फाइंडिंग द लिक्विड लिमिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 425 माइक्रोन। ये भी टू द पॉइंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये पूछा गया था। फॉर ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शियर स्ट्रेस डायग्राम इज, ऑप्शन था फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए होली पैराबोलिक, ऑप्शन बी होली रेक्टेंगुलर, ऑप्शन सी था पैराबोलिक अबव न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। तो आपको याद ही होगा कि कैसा बनता है, कुछ ऐसा करके बनता है, यहाँ तक रेक्टेंगुलर रहता है और इधर पैराबोलिक रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड इन ओवन ड्राइंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट टेम्परेचर मेंटेंड इज। तो आप सभी को पता है फ्रेंड राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया जाता है। अगर अगर ऑर्गेनिक मैटर हो तो फ्रेंड कितना होता है टेम्परेचर, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ऑर्गेनिक मैटर हो तो फ्रेंड, फिर एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट से पूछा गया था फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरा जो फ्रेंड है जिसने क्वेश्चन ये बताया है वो कंफ्यूज था, क्योंकि कोई बोल रहा था कि शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से पूछा गया था और कोई बोल रहा था लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आप दोनों पढ़ लीजिए फ्रेंड। अगर शॉर्ट टर्म के लिए बात किया जाए तो ये फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 5000 रूट अंडर एफ सी के, और अगर लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की बात की जाए तो 1 + थीटा जो है वो रेशियो हो जाता है ई थीटा इज इक्वल टू ई बाय 1 + थीटा। अगर इसको आप लिखिएगा शॉर्ट टर्म के टर्म में तो मतलब 5000 रूट अंडर एफ सी के और बाय 1 + थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे आप यहाँ से आप चेक याद रखेंगे फ्रेंड इसे, अगर एज ऑफ लोडिंग के केस में ये वेराई करता है, तो अगर 7 डे के लिए रहे तो 2.2 लिया जाएगा और 28 डेज के लिए तो 1.6 और 1 ईयर के लिए 1.1। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड नेट सेक्शनल एरिया निकालने के लिए बोला गया था प्लेट का। यहाँ पे प्लेट का विड्थ और थिकनेस दिया हुआ था और रिभेट का जो नॉमिनल डायमीटर है वो दिया गया था। तो नेट सेक्शनल एरिया निकालने बोला गया था। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, पहले जो यहाँ पे इसको ग्रॉस डायमीटर में चेंज करेंगे तो 18 है तो 18 + 1.5 हो जाएगा फ्रेंड, और जो हो जाएगा 19.5 और 1300 में 19.5 को माइनस करेंगे और इनटू 10 एमएम करेंगे। तो आप जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2805। नेक्स्ट देखते हैं, कैनेडीज थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड। क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था पता नहीं, तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैनेडीज द सिल्टिंग एक्शन इन द चैनल इज ड्यू टू। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए जनरेशन ऑफ एडीज। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा गया हो फ्रेंड कि यहाँ पे देख सकते हैं, कैनेडी इन हिज सिल्ट थ्योरी एज्यूम दैट द सिल्ट इज केप्ट इन सस्पेंशन बिकॉज ऑफ एडीज जनरेटेड फ्रॉम। तो जो एडीज जनरेट होता है फ्रेंड, जो सिल्ट जो प्रोड्यूस होता है वो या बेड ओनली पे होता है या साइड से भी होता है या फिर होल पेरीमीटर से होता है या एनी ऑफ दिस किसी से भी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, केवल बेड से ही फॉर्म किया जाता है। इसने एज्यूम किया था कि केवल बेड से ही सिल्ट एक्सक्लूड होगा। क्वेश्चन सेप्टिक टैंक के डायमेंशन से पूछा गया था फ्रेंड, एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन नहीं बता पा रहा था, वो हाइट बोल रहा था या फिर। तो यहाँ पे देख सकते हैं द मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक इज टेकन, ऑप्शन है ए है 70 सेंटीमीटर, बी है 75 सेंटीमीटर, सी है 80 सेंटीमीटर और डी है 90 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं IS कोड में इसके बारे में लिखा हुआ है, सेप्टिक टैंक सेल हैव मिनिमम विड्थ ऑफ 750 mm, मिनिमम डेप्थ ऑफ 1 मीटर बिलो वाटर लेवल, वाटर लेवल के 1 मीटर नीचे ही होना चाहिए, एंड ए मिनिमम लिक्विड कैपेसिटी ऑफ 1000 लीटर, मतलब मिनिमम 1000 लीटर की कैपेसिटी तो होनी ही चाहिए। तो नेक्स्ट चलते फ्रेंड, क्वेश्चन पूछा गया था द वर्नियर दैट इज कैलिब्रेटेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मेन स्केल इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा रेट्रोग्रेड वर्नियर। और एक फ्रेंड यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन आए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पता नहीं, तो आइए जान लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज द डैश, ऑप्शन ए है द रेशियो ऑफ द लेंथ इन ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ, ऑप्शन बी है
द रेशियो ऑफ द एक्चुअल लेंथ टू द लेंथ इन द ड्रॉइंग, रेसिप्रोकल ऑफ द एक्चुअल लेंथ, और फोर है स्क्वायर ऑफ द लेंथ इन द ड्रॉइंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को पता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है वो रेशियो ऑफ द लेंथ इन द ड्रॉइंग टू द एक्चुअल लेंथ होता है। फिर फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू आईएएस क्लासिफिकेशन सिस्टम द सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 ग्रुप्स। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, आईआरसी रिकमेंड द वैल्यू ऑफ कॉफिशियंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन एज। तो इसका जो अगर फ्रेंड लेटरल के लिए बात किया जाए तो 0.15 होता है, और अगर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन के बारे में पूछ लिया जाए तो 0.35 टू 0.4 होता है फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू व्हीकल का स्पीड कैसा है उसके अनुसार। यहाँ पे पूछा गया था फ्रेंड, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूज इन रिब्ड स्लैब इज। तो यह ऑप्शन था फ्रेंड 12 mm, 6 mm, 20 mm या फिर 22 mm। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 mm। तो ये थी फ्रेंड मेमोरी बेस्ड पे क्वेश्चन मनरेगा जेई की जो रांची में 17 तारीख को पूछी गई थी। अगर आप सभी को और कुछ क्वेश्चन पता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।